हेलो बच्चों, आज जो है मैथ्स में समझेंगे अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में जो है पॉइंट है जिसे भाज्य भाजक क्या होता है, शेषफल क्या होता है और भागफल क्या होता है, जिसे इंग्लिश में हम डिविडेंड कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं। तो उससे संबंधित क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उसे मैं बताऊंगा आपको और थोड़ा सा ज्ञान मैं इसका दूंगा आपको कि भाज्य क्या है, भाजक क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अगर मान लें, पहले मैं आपको समझाऊं कि ये सब टर्म होती क्या है और इसे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, तो ध्यान से आप देखिएगा और समझिएगा। जैसे मान लें, सपोज मुझे 5 को 2 से डिवाइड करना है, तो मैंने कह दिया कि 2 2 4, 2 2 4 और यहाँ क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक, तो यहाँ पे मुझे 4 टर्म दिखाई दे रही है। एक ये 5 दिखाई दे रहा है, एक ये 2 दिखाई दे रहा है, एक ये 2 दिखाई दे रहा है और एक ये 1 दिखाई दे रहा है। तो ये जो 5 है, इस 5 को जो कहा जाता है वो कहा जाता है भाज्य। हिंदी में और दोनों में लिख दूंगा मैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये जो 5 है इसे क्या कहा जाता है, भाज्य कहा जाता है, क्योंकि इसे इंग्लिश में कहते हैं डिविडेंड। यानी कि जिसे हम भाग देते हैं, जिसे हम डिवाइड करते हैं, वो क्या होता है बच्चों, वो भाज्य होता है, डिविडेंड होता है। ठीक, उसके बाद ये 2 है जिसे हम भाग दे रहे हैं, इसे कहा जाता है हिंदी में भाजक। तो जिससे हम भाग देंगे वो भाजक होगा, क्योंकि इसे इंग्लिश में कहते हैं डिवाइजर। दोनों भाषाओं को ध्यान रखे चलो, कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी एक टर्म समझ में नहीं आती है, स्टूडेंट भूल जाता है, उसकी वजह से नंबर चला जाता है, क्योंकि वो कन्फ्यूजन हो जाएगा सवाल करते समय, उससे फिर दिक्कत आनी है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद भाग दो के जो हमारा ये आंसर आया, इसे तो सब जानते हैं क्या कहते हैं हिंदी में, इसे कहते हैं भागफल। तो ये भी 2 ही है, तो इसे मैंने कहा कि ये भागफल है, क्योंकि इंग्लिश में से कहा जाता है क्वोशेंट, QUOTIENT। उसके बाद इसे भी सब जानते हैं ये क्या होता है, शेषफल। तो जो 1 है वो क्या है बच्चों, शेषफल है, यानी कि रिमाइंडर। ठीक, तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है वो इन दो शब्दों में होता है, एक तो भाज्य में और एक भाजक में, यानी कि डिविडेंड में और डिवाइजर में। ये तो सभी स्टूडेंट जानते हैं कि भागफल है, ये भी शेषफल है। तो इनका आप ध्यान रखें कि जिसे भाग दिया जाए वो तो भाज्य होता है, यानी कि डिविडेंड होता है, और जिससे भाग दिया जाए वो क्या होता है, भाजक होता है, जिसे इंग्लिश क्या कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं। ये बात मैंने आपको समझाई एक बार। उसके बाद अब इन चारों में रिलेशन होता है, एक फॉर्मूला कह सकते हो आप, रिलेशन कह सकते हो, फिर उसके हिसाब से ये क्वेश्चन आता है। कभी कभी छोटा क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन जो फॉर्मूला है वो वही लगेगा जो मैं बताने वाला हूँ। तो ये जो 4 संख्या है, 5 2 2 1, इनमें एक रिलेशन बन सकता है। रिलेशन कैसे बन सकता है कि अगर मैं इस 2 की मल्टीप्लाई 2 में करूँ, अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 2 में कर देता हूँ और 1 जोड़ देता हूँ, तो आप देख रहे हो क्या आ गया है, 5 आ गया है, 2 2 4 और 1 5। तो इसी से हम फॉर्मूला बना सकते हैं। ये जो 5 है ये क्या था हमारा, पहले हिंदी में लिखता हूँ, ये था भाज्य। ये जो 2 था ये क्या था, भाजक। और ये जो 2 था ये क्या था, भागफल। और ये जो 1 था ये क्या था, शेषफल। ठीक, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। जब हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे क्या बोलेंगे बच्चों, ये बोलेंगे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये मैंने इस पर लिख रखी है, बाकी मैंने इसे लिख दिया। तो ये आप फॉर्मूला याद रखें कि जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें ये टर्म दे रखी हो, भाज्य दे रखा हो, भाजक दे रखा हो, यानी कि डिविडेंड डिवाइजर दे रखा हो, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होना ही होना। तो ये अर्थमेटिक जो मैथमेटिक्स होता है वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है वो आपको मैं बताता हूँ, क्वेश्चन क्या है और कैसे आता है। ये क्वेश्चन ले लेते हैं आपको समझने और समझाने के लिए। ये क्वेश्चन मैंने ले लिया है, उसमें कहा गया है, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, 2-3 लाइन की लैंग्वेज है, तो उसे मैं आपको टर्म में लिख देता हूँ पहले। इसमें कहा गया है कि जो भाजक है वो भागफल का 12 गुना है, ये दे रखा है। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, ये जो भाजक है भागफल का 12 गुना है। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे बच्चों, इंग्लिश में बोलेंगे कि जो डिवाइजर है
वो कोशेंट का 12 टाइम्स है, ठीक। ये लाइन दे रखी है, उसके बाद क्या रखा है कि शेषफल का 5 गुना यही भाजक ए डिवाइडर शेषफल का 5 गुना है, यानी कि रिमाइंडर का 5 टाइम्स है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। फिर आपसे कहा गया है यदि शेषफल 36 हो, जो शेषफल है 36 हो, यानी कि जो रिमाइंडर है वो 36 हो, तो आपसे कहा गया है डिविडेंड बताइए, यानी कि भाज्य बताइए। भाज्य को इनसे क्या कहते हैं, जैसे नहीं बताया डिविडेंड कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, जो यहाँ 2-3 लाइन में लिखा होता है उसे मैंने टर्म में बना के लिख दिया, आपको समझाने के लिए हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश में लिख दिया, तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। दोबारा सुन लीजिए, क्वेश्चन क्या है, फिर से सॉल्यूशन करेंगे। कह रखा क्वेश्चन है कि जो भाजक है वो भागफल का 12 गुना है, डेट मीन जो डिवाइजर है वो क्वेश्चन का 12 टाइम्स है, और यही भाजक यानी कि यही डिवाइजर शेषफल का 5 गुना है, यानी कि 5 टाइम्स ऑफ द रिमाइंडर। अगर शेषफल 36 हो, अगर रिमाइंडर 36 हो, तो कह रहे हैं कि भाज्य की वैल्यू बताओ, यानी कि डिविडेंड कितना होगा वो बताओ। तो ये टर्म यूज हो रही है हमारी, तो सीधा फॉर्म में लगा लें, हिंदी में लगा लें, इंग्लिश में लगा लें, जैसे भी आपका माध्यम हो। तो ये हो गया आपका भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मूला लगा दिया। अब जो जो वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में, वो वैल्यू में पुट कर दी है। तो हमें क्या करना, निकाल निकालना क्या था, हमें भाज्य निकालना था, डिविडेंड निकालना था, ये तो हमें निकालना है, इसे एक्स मान लेते हैं। उसके बाद क्या चाहिए हमें, भाजक चाहिए, तो भाजक अभी है नहीं हमारे पास, तो उनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी थोड़ी सी। कैसे, रिमाइंडर तो हमारे पास है, रिमाइंडर कितना है 36 है, इसे तो हम यहाँ रख देंगे। तो पहले ये लाइन लेते हैं, कौन से वाली, कि जो डिवाइजर है वो रिमाइंडर का कितना है 5 टाइम्स, तो इसे मैं यहाँ अलग लिख लेता हूँ एक बार आपको समझाने के लिए, कि जो डिवाइजर है यानी कि जो भाजक है वो रिमाइंडर का कितना है बच्चों, 5 गुना है, और रिमाइंडर कितना दे रखा था आपको, 36 दे रखा था रिमाइंडर, ये हो जाएगा 36 गुना 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 5×6 की 0 लगे 3, 5×15 और 3 कितना हो गया 18 हो गया 180। तो जो 180 आ गया, ये क्या आ गया आपका, डिवाइजर आ गया यानी कि भाजक आ गया, तो डिवाइजर की वैल्यू में निकाल ली, इसके अंदर कितने 180, ठीक। अब क्या चाहिए हमें, कोशेंट चाहिए यानी कि भागफल चाहिए, और जो कोशेंट है वो भी हमारे पास नहीं है, तो ये ऊपर वाले लाइन ले लें इसे निकालने के लिए। कैसे ले लेंगे, देखिए ये क्या था डिवाइजर, यहाँ लिखा हुआ है कि भागफल का यानी कि कोशेंट का 12 गुना है, यहाँ लिखा हुआ है डिवाइजर जो है कोशेंट का 12 गुना है, और डिवाइजर की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, 180 आई है, तो 12 कहाँ आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, क्वेश्चन निकल जाएगा यानी भागफल निकल जाएगा। तो ये सोल्व कर दीजिए, तो 12×12 कितने बचे, 6 60 हो गया, 12×5=60। ये जो 15 वैल्यू आ गई है किसकी आ गई बच्चों, ये क्वेश्चन की आ गई है यानी कि भागफल की आ गई है। इस तरह से क्यू की वैल्यू आ गई आपकी 15, ये रख दीजिए, और जो रिमाइंडर है ये तो क्वेश्चन में दे रखा था पहले से, रिमाइंडर कितना था 36। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फॉर्मूले में जो है 4 टर्म है, 1, 2, 3, 4, तो इस 4 टर्म में ये तो मुझे टर्म निकालनी थी, ये टर्म तो तभी निकलेगी ना, चाहिए 3 टर्म हमें दे रखी होंगी, या तो 3 टर्म हमें दे दे या नहीं दे रखी तो निकालना पड़ेगा। तो इन 3 टर्म में से 1 टर्म दे रखी थी बस, कौन सी, शेषफल यानी कि रिमाइंडर, तो बाकी दोनों को निकालना पड़ेगा। तो जो भाजक है डिवाइजर वो तो ऐसे निकाल लिया यहाँ से, और जो भागफल है वो ऐसे निकाल लिया, इनकी वैल्यू रख दी, और अब तो सोल्व भी करना है। तो बोर्ड मास में जैसा आप जानते हैं कि पहले हम प्लस तो कर नहीं सकते, पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि बोर्ड में पहले मल्टीप्लाई होती है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 15×0 मल्टीप्लाई करो 0 हो गया, और 15×8 में करो तो 15×8 कितने होते हैं 120 होते हैं, 120 की फिर 0 आ गई, और कैरी कितने हो गए, हासिल कितने हो गए 12, फिर 15×15 और 15×12 कितने बच्चों 27 हो गए, फिर 36 ऐसे ही था, ठीक, इन्हें ऐड कर दिया, ये आ गया आपका 2736, ये आंसर आ गया है 2736। ये आंसर किस चीज़ का है, ये आंसर है आपका जो पूछा गया था, भाज्य पूछा गया था यानी कि डिविडेंड
पूछा गया है। ठीक, ये आपका आंसर आएगा बच्चों। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो पहले मैंने आपको ये बता दिया कि कोई भी स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स में नया है या ज़्यादा अच्छा नहीं है तो वो सीख ले कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, और जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो किस तरह से आएगा। ठीक, चलिए इस वीडियो में इतना ही, जल्दी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।